देखिए, हमारा सॉइल फर्टिलिटी ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, तो हम लोगों को तुअर का बेहतर उपज लेनी थी हमें, और हमें उसकी सॉइल फर्टिलिटी वहाँ की एकदम से इसका ऑर्गेनिक कार्बन हम 0.4 से 1 तक इसको ले जाना हमारा ये मकसद था। तो हम लोगों ने यहाँ मूंग की फसल ली, बेहतर उपज मिली, 1 एकड़ में 4 क्विंटल ये मूंग की उपज मिली। अब हमें तुअर की उपज 10 क्विंटल से ऊपर लेना है, तो हम लोगों ने ग्रीन मैन्यूरिंग का एक ये सोचा। साथ में ही आप देख रहे होंगे ये जितना भी ये सारा ये बायोमास दिख रहा है आपको, ये सारा बायोमास ये पूरा मूंग का था, ये पूरी मूंग की फसल इसी मिट्टी में मिली हुई है। इस तरह से हमने मूंग का भी बायोमास इसमें मिला दिया है। तो पहले मूंग का बायोमास मिला, फिर ग्रीन मैन्यूरिंग का, फिर इसका जो तुअर का पत्ता बनेगा वो पत्ते का लेयर, इसका 2 से 3 इंच पत्ते का लेयर बनेगा। इतना लेयर तो हम गोबर खाद की दे ही नहीं सकते, तो गोबर खाद हमारे पास देश में इतना उपलब्ध भी नहीं है। तो इसका ये सोल्यूशन है कि हम लोग ये फसल के थ्रू ही हम लोग ग्रीन मैन्यूरिंग और फसल के अवशेष इनके थ्रू अपने सॉइल फर्टिलिटी को हम बढ़ाते हैं।